वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा था, जिसको हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया था। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन कितने तरीके की होती है, जिसमें पहली इक्वेशन होती है होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब कब आप होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, कब आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 माइनस x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, a इक्वल्स टू, आप सारे कोएफिशिएंट पार्ट रख लेंगे वेरिएबल के, सेकेंड x इक्वल्स टू एक्स वाई, एंड यहाँ पर हम b की जगह यूज कर रहे हैं o। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में b यहाँ पे डिनोट किया था, यहाँ पर o इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं कांस्टेंट वो ज़ीरो हैं, तो जब भी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो उसके लिए आप ओ डिनोट करेंगे। तो इस इक्वेशन को, ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट पार्ट पूरा ज़ीरो होगा, उसे हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। तो इसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होगी ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं 4x माइनस 3y माइनस 8z इक्वल्स टू 2। ऐसे ही हमारी ये दो और इक्वेशन है। फ्रेंड्स, इसमें जो ये कांस्टेंट पार्ट है ये नॉन ज़ीरो है, या ये ज़ीरो है लेकिन सारे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट में है 2, 0 एंड 4। जब सारे ही ज़ीरो होंगे तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी, जब कुछ ज़ीरो हो सकते हैं या कुछ नॉन ज़ीरो हो सकते हैं तो वो एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो इसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होगी ए एक्स इक्वल्स टू बी। इस मैट्रिक्स फॉर्म को हम बी के लिए, इस कांस्टेंट को हम बी से डिनोट करेंगे, बी मैट्रिक्स से। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है और ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए, जो अलग अलग तरीके की इक्वेशन की फॉर्म है, इनको हम अलग मेथड से यूज सॉल्व करेंगे। तो उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किसी होमोजीनियस इक्वेशन या किसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आपने करना है। तो जब आपके पास इक्वेशन होगी होमोजीनियस, जिसकी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसके लिए हमने एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है। एक्स मैट्रिक्स हमने पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स मेथड से किया था, लेकिन अब हमारे पास दो तरीके की मैट्रिक्स होंगी, तो उनके लिए अलग अलग तरीके होंगे वेरिएबल फाइंड आउट करने के, मतलब एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के। तो केस वन और केस टू देखते हैं। सबसे पहला केस वन है, इसके लिए जो ये आपको एक होमोजीनियस इक्वेशन गिवन होगी, उसके लिए पहले आप चेक करेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो उस केस में आपकी जो एक्स मैट्रिक्स है वो पूरी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो उस एक्स मैट्रिक्स के वैल्यूज़ हैं वो सारी ज़ीरो आएंगी। इस सॉल्यूशन को हम ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा होमोजीनियस का केस वन है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। फ्रेंड्स, जो ये सॉल्यूशन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन ये आपको याद करने होंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया डिटर्मिनेंट, तो डायरेक्ट आप उसको एक्स, उस मैट्रिक्स को जिसमें वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, उसको ट्राइवल सॉल्यूशन दे के वैल्यू ज़ीरो कर देंगे सारी। अब जब केस सेकेंड होगा, जब डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो आएगा, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, इस तरीके का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ये हम देखेंगे। वैसे तो हम दोनों ही केसेस के सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन आप इसे अभी ऐसे पढ़ लीजिए कि जब भी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसकी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल्स टू बी। इसमें भी दो केस होंगे। केस वन इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपने उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जिसका सॉल्यूशन हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। मैट्रिक्स मेथड से हमने एक एक्स मैट्रिक्स के वेरिएबल्स फाइंड आउट किए थे। फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकेंड है जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये केस टू है हमारा। तो जब डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, उसके भी दो केसेस हैं। नॉन होमोजीनियस में जैसे ही आपका इक्वेशन में डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया, इक्वेशन का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आया, तो आपने चेक करना है
उसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी से। अगर उन दोनों के मल्टीप्लाई करने से इक्वल्स टू जीरो आया तो वो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये दोनों ही सॉल्यूशन सेम होंगे। जब एडजॉइंट ए डॉट बी करके नॉट इक्वल्स टू जीरो आया तो इसका मतलब उन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उसको हम नो सॉल्यूशन कह देंगे। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशंस हैं जो आपने याद रखने हैं कि कब वो ट्राइवल होगा, कब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और कब वो यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन आपने याद रखने हैं, बस इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो और कब आपने कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।